यहाँ से मैं ये देखिए मैंने पिंच कर दिया है ये, और क्या यहाँ ही है तो से चूसे ही ना। फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट पॉट में हम कैसे मोमो बना सकते हैं। जैसे कि मेरा ये जो सेकंड वीडियो है इंस्टेंट पॉट को लेके, पहले वाला अगर आप लोगों को रेसिपी देखना है तो और इसका रिव्यू देखना है तो मैं लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मोमो के लिए मैंने चटनी बना लिया है। ये चटनी मैंने पहले स्टोव टॉप पे रोस्ट कर लिया था टमाटर को, और फिर और मैंने मोमो के लिए आटा भी लगा दिया है। यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर, 1 बड़े चम्मच तेल और नमक स्वादानुसार दे के मैंने सेमी टाइट डो बना लिया, और डो को मैंने पीसेस में कर लिया है। जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए कर लीजिए। और एक मिक्स वेजिटेबल जैसे हम बनाते हैं मोमो के स्टफिंग के लिए, और थोड़ा सा मैंने चीज़, काली मिर्च पाउडर और पनीर मैंने दे दिया था। ये टेस्ट के हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कैसे एकदम पर्टिकुलर ऐसे बनाना है। सारे सब्जी को मैं चॉपर में चॉप कर लिया था, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े को जैसे बनाया था और उसको मैंने बेल के रख दिया है। चलिए तो अभी यहाँ पे बनाना मैं स्टार्ट कर। हमारा जो मिक्सचर है, जो हमने स्टफिंग बनाया है वेज मोमो का, ये मैंने दे दिया। तो अभी मैं ये बीच में से ऐसे बंद करूँगी, और यहाँ से एक साइड में और यहाँ से एक साइड करके इस तरह से धीरे धीरे, इसमें बहुत ही हल्के हाथ से करना है। और ये देखिए, तो अब मैं दूसरा दिखा रही हूँ। इसमें ऐसे स्टफिंग मैंने दे दिया है। तो अभी मैं एक कॉर्नर से इसको मैं बंद कर रही हूँ, इस तरह से लॉक कर रही हूँ, और यहाँ से मैं ये देखिए मैंने पिंच कर दिया है ये, और क्या यहाँ ही है तो से चूसे ही ना। हो गया है। तो यहाँ पे ये फोल्ड कर दिया मैंने इसको, अभी फिर से ये लॉक कर रही हूँ, और ये आखिरी ऐसे, और इस तरह से अब अगर आप इसको लॉक करेंगे तो देखिए ये पोटली जैसा बन जाएगा। 3 डिज़ाइन में मैंने मोमो बनाया है, और ये सबसे आसान डिज़ाइन है। चलिए अभी स्टीम करते तो हैं। यहाँ पे मैं अभी 1 कप के करीब इसमें पानी दे रही हूँ इंस्टेंट पॉट में। आज हम इंस्टेंट पॉट पे बना रहे हैं तो इसलिए 1 कप पानी चाहिए, और ये जो स्टीमर है मैं इसमें दे रही हूँ। तो अभी मैं एक एक करके स्टीमर में ये मोमोज मैं रखती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे। ये हो गया है, टोटल इसमें 6-7 मोमोज आ गया है। करूंगी इसका तो ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम स्टीम में जाएंगे, ये स्टीम में आ गए हैं। 10 मिनट नहीं, हमें यहाँ 4 मिनट चाहिए। तो डबल टैप करेंगे, अब हम कम करेंगे इसको। 4 मिनट हो गया है, तभी मैं स्टार्ट कर दूंगी। 4 मिनट के लिए मैंने सेट किया है, ये प्री हीटिंग हो रहा है, तो इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक हमारा मोमो स्टीम होता है, मैंने सोचा कि डेकोरेशन के लिए मैं ये गोभी के पत्ते इसमें सजा दूँ। देखते हैं हमारा मोमो कैसे रेडी होता है। लीड को ओपन करके देखते हैं। तो ऐसे सर्विंग बोल में अगर हम मोमो सर्व करें घर पे ही, रेस्टोरेंट स्टाइल, हम अपना माहौल बना सकते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं स्टीम मोमो, वेज मोमो। अभी एक मैं इसमें रख रही हूँ। तो अभी मैं एक चॉपस्टिक से एक मोमो को उठा के उसमें रखूंगी। ये देखिए, ये देखिए, और ये आ गया एक मोमो इसमें।
तो आई होप कि आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मेरा चैनल आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइए। मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक कुक एंड बेक को देखते रहिए। बाय।